जीवन था वो खत्म कर दिया, इसलिए जीव घात हुआ। आत्मा तो दूसरी जगह जाके जीवन धारण कर लेगी, लेकिन कौन ना। वो आत्मा का ज्ञान नहीं है ना उनको। आत्मा का ज्ञान हो तो ना बोले, वो तो अपने जीवन को ही जीवन समझते हैं ना। शरीर ही जीवन है, शरीर नहीं है तो जीवन नहीं है, ऐसे समझते हैं। कोरोनेशन उत्सव को कहा जाता है, जब राजगद्दी मिलती है तो उसका कोरोनेशन मनाते हैं। और ये सतयुग की बात नहीं है, सतयुग में कोई भी उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, वहां तो रोज ही उत्सव है। ये यहाँ संगम युग की बात है। और मौत एक ऐसा एक्सीडेंट है ना, सब कुछ भूल जाते हैं पीछे का। हाँ, पिछला जन्म तो फिर आगे के जन्म में कैसे पता होगा कि हमको एडवांस में जाना है या ज्ञान उठाना है, बाबा ये भगवान है। आगे मैंने कब जब जन्म ले या कहाँ जन्म ले लिया है? जन्म तो कहीं ना कहीं होगा ना, 36 तो जैसे यहाँ यहाँ दूसरा जन्म लेकर के जो भी एडवांस वाले हैं वो सब ज्ञान में बाद में आए हैं, ऐसे वहां भी जानेंगे। ये ज्ञान का कभी विनाश तो होता नहीं है, तो जहां कहीं भी जन्म लेंगे तीव्र गति से एडवांस ज्ञान की बातों को पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पुराने दीदी दादी दादाओं ने नहीं पकड़ा और हमने पकड़ लिया। इसमें पूर्व जन्म की स्मृति की बात नहीं है, ये पूर्व जन्म के ज्ञान के संस्कारों की बात है। बात है, सारा परिवार ज्ञान कुटुंब कब तब कहा जाएगा
इस वसुधा पर है, इस पृथ्वी पर है, जो भी प्राणी जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब मनुष्य मात्र भगवान को पहचानेंगे। भगवान का जो डायरेक्ट वारसदार है नारायण, विश्व पिता को पहचानेंगे। तो यथा राजा तथा प्रजा की बात साबित होगी। ज्ञान इतना क्लियर में होने जा रहा है, गुरु क्यों नहीं समझते कि हमें लक्ष्मीनारायण आपके जन्म में लक्ष्मीनारायण बनना है, इस जन्म में नहीं बनना, क्योंकि उनको इतना ज्ञान क्लियर होते हुए क्या उनको कैसा पता है? वो पहले समझेंगे, वो हमारे ज्यादा नजदीक है या लौकिक परिवार वाले हमारे ज्यादा नजदीक हैं? है? है? लौकिक परिवार वाले ज्यादा नजदीक है ना, तो पहले वो समझेंगे या वो दूसरे कुल वाली आत्माएं जो चंद्रवंश को फॉलो करने वाली है, चंद्रमा को फॉलो करने वाली है, वो पहले समझेंगी। ब्रह्म को फॉलो करने वाले और भी बाद में समझेंगे, बुद्ध को फॉलो करने वाले और बाद में समझेंगे। पहले कौन समझेंगे? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। बुद्धि कहाँ कहाँ भाग रही है। शंतनु का पुत्र भीष्म पितामह ना, हाँ जी, उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी ना, और फिर इस्लाम का बीज भी वही है, इस्लाम धर्म का बीज। ठीक है, राम वाली आत्मा उसका गायन के हिसाब से देखा जाए तो कौन से युग में प्रसिद्धि है? त्रेता युग में कौन सा धर्म होता है? चंद्रवंश होता है। चंद्रवंश होता है, चंद्रमा के ही अनुयायी होंगे द्वापर के आदि में। संन्यास धर्म जितने भी हैं, इब्राहिम से लेकर के और आर्य समाजियों तक भी, वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति को पकड़ के जीवन में नहीं रखते हैं। ये तो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही है जो प्रवृत्ति को पकड़ के रखते हैं। तो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों में अथवा धर्म पिताओं में पहले नंबर का कौन है? इस्लाम धर्म। बात तो ये मैचिंग नहीं होती ना बाबा, नो नहीं मैचिंग होती। वो काम विकार में प्रधानता और ये संन्यास भीष्म तो सन्यासी पक्का। पक्का काम सन्यासी, पक्के सन्यासी आप हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को पालन करते हैं, या पक्के सन्यासी वो हैं जो घर गृहस्थ में साथ साथ रहते ही नहीं? पक्के कौन है और कच्चे कौन है? कायर कौन है? अरे हम है बस। हाँ बाबा, उसको इच्छा मरण का वरदान दिया था ना। जब उत्तरायण होगा सूर्य तब ही प्राण त्यागेंगे। पृथ्वी झुकी हुई है ना, तो जिसके पास शांति नहीं है शांतनु के पास, वो इच्छा मरण का वरदान कैसे दे? दूसरे को देना ये अपनी तपस्या की शक्ति को खत्म करने वाली बात है। तपस्या की शक्ति जिसकी अपनी खत्म हो गई, उसको अपना का फायदा नुकसान हुआ या दूसरे का नुकसान हुआ? उसका नुकसान हुआ। और
अष्टदेव के आदि लक्षण बताओ बोल। वो अष्टदेव है वो पहले पहले पास होते हैं या बाद में पास होते हैं? जो माया की परीक्षा होगी आखिरी परीक्षा फाइनल परीक्षा, उस परीक्षा का मुख्य पॉइंट क्या है? बस यही उनका विशेष लक्षण है कि जब से बेसिक में आए होंगे या जब से एडवांस में आए होंगे तो उनके जीवन की ये विशेष बात चेक की जाए। उन्हें भगवान मिल गया, जब ये बुद्धि में बात बैठ गई तो जो पाना था वो पा लिया। सारी दुनिया से कुछ प्राप्ति होने की आशा है नहीं, सबसे मोह नष्ट हो जाता है। तन की ताकत लगानी है तो ईश्वरीय सेवा में ईश्वर के प्रति, मन लगाना है तो ईश्वर के प्रति, धन लगाना है तो ईश्वर के प्रति, समय गवाना है तो ईश्वरीय कार्य के प्रति, संपर्कियों की संबंधियों की ताकत लगानी है तो भी ईश्वरीय कार्य के प्रति लगाएंगे। जैसे आप हुए मर गई दुनिया, है भगवान विदेश से आता है, है विदेशी बन के आता है भगवान, विदेशी बन के आता है। क्या बन के आता है? विदेशी विदेशी, हाँ बाप विदेशी बन करके आए हैं। हाँ जी, तो इसका क्या है? इसका अर्थ यही है कि विदेशी बनकर के अगर नहीं आएगा, स्वदेशी राम बनकर के आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आएगा, तो एक से संबंध जोड़ेगा या अनेकों से सर्व संबंध जोड़ेगा? हैं? तो मर्यादा पुरुषोत्तम माने एक सीता से ही संबंध होना चाहिए, दूसरों से प्रैक्टिकल कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। तो फिर पतित पावन कैसे बनेगा? अगर दुनिया के मनुष्य मात्र से संसर्ग संपर्क संयोग ही नहीं होगा, संघ का रंग कैसे लगेगा? इसलिए बाप है नहीं विदेशी, है तो पक्का स्वदेशी, भारत में ही आते हैं, लेकिन बोला कि बाप विदेशी बन करके आए हैं, बन करके आए हैं और विदेशी हैं, इसमें अंतर है या नहीं है? बन करके आए हैं माने ड्रामाबाजी है, असलियत नहीं है, सारी दुनिया को अपने पीछे ले जाना है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को परमधामवासी बनाना है। और दुनिया में तो विदेशी ज्यादा हैं या स्वदेशियों की संख्या ज्यादा है? विदेशियों की संख्या तो बहुत है, इसलिए बाप विदेशी बनकर के आते हैं। और देवकी का पार्ट तो वैष्णव देवी का है ना? देवकी का पार्ट वैष्णवी का है। विदेशी का पार्ट देवकी, देवकी का पार्ट देवकी, हाँ जी वैष्णव देवी का पार्ट है ना वैष्णव,
वैष्णवी। वैष्णो देवी का पाठ देवकी का है। अरे वैष्णो देवी जंगल जेल में है क्या? विकारों की जेल में, विकारों में पड़ी हुई है। देवकी को तो विकारों की जेल में पड़ा हुआ दिखाया है। जो विकारों की जेल में पड़ी हुई है वो काली होगी या गोरी होगी? वो तो काली होगी। और तो इस शरीर में है ही कृष्ण है, काली के प्रवेशता है ना कृष्ण की, तो कृष्ण को जन्म देके कैसे छोड़ के आते? काली को कृष्ण को जन्म देती है, बताया है ना कृष्ण को जन्म दिया और यमुना जी से पार कर। काली ने जन्म दिया? काली ने जन्म नहीं दिया, देवकी ने जन्म दिया, वसुदेव ने जन्म दिया। वसु कहा जाता है धन संपत्ति, और देव माने देने वाला, जो विश्व पिता को भी धन संपत्ति देने का निमित्त बन जाता है, दान देने के निमित्त बन जाता है, पालन करने के निमित्त बन जाता है, जन्म देने के निमित्त बन जाता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बन जाता है। तो एडवांस के आदि में तीन विदेशी हैं, तीन धर्मों के बीज रूप, उनमें मुखिया कौन है? इब्राहिम का बीज, इस्लाम धर्म का बीज। जब से ज्ञान में आया तब से लेकर अब तक भी वो और उसका सहयोगी शक्ति विकारों की जेल में पड़े हैं, भक्ति मार्ग में अड़े हुए हैं, या भक्ति मार्ग से बाहर ज्ञान मार्ग में है, अभी भी भक्ति मार्ग में झांझ बजा रहे हैं। कभी किसी सत्संग में जाते हैं, कभी किसी सत्संग में जाते हैं, इसलिए शंकर को दो बेटे दिखाए हैं, एक कार्तिकेय दिखाया है, छह मुख वाला। ये छह मुख कौन से छह धर्मों की यादगार है? है इस्लाम धर्म, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। छह धर्मों में बुद्धि भटकती रहती है, इसलिए छह मुख दिखाए हुए हैं, छह प्रकार की बातें करता है। कितनी माताएं हैं, कितनी धरणियों में पलता है, कृतिकाएं दिखाई हुई है। और इस्लाम धर्म के बीच वो भी माता हो गई, वो भी पालने वाली है। नंदी नंद यशोदा। अरे कृष्ण की बात थोड़े ही कर रहे हैं, या कार्तिकेय की बात कर रहे हैं, वसुदेव की बात कर रहे हैं, कृष्ण को जन्म देने वाले की बात कर रहे हैं। विदेशी जन्म देते हैं भगवान को या स्वदेशी जन्म देते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म? है विदेशी देते हैं भक्ति मार्ग में, उनको कृष्ण भगवान कह दिया है। ज्ञान मार्ग में वास्तव में कौन है? है शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है, उन्हीं की प्रत्यक्षता की बात है।
दोनों को प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, उन विदेशियों में भी कोई मुखिया होगा, तो जो मुखिया है और उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है वही वसुदेव और देवकी हो गए। पालने वाले कौन? इसको कृष्ण को वो यश देने वाले अलग, जो निभा न सके वो यश देगा या अपयश देगा? हैं? तो अपयश देने का निमित्त बन जाती है यमुना। मुसलमानों को अल्लाह मियां कहते हैं, मियां कहेंगे तो उसकी बीवी होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक बात है, आगे चल के बहुत घबराएंगे जब वो बीवी एआई बीवी का नेतृत्व करेगी तो नाम से ही घबराएंगे, आई बीवी भागो। जैसे काले चोंगे वाले आजकल निकले हैं बाबा हैं, अयप्पा स्वामी ऐसे कपड़े पहनते हैं है? इस्लाम धर्म में कैसे कपड़े पहनते हैं? जो सन्यासी होते हैं वो भी काले कपड़े पहनते हैं मुसलमान धर्म के, और जो औरतें होती हैं वो भी काले कपड़े पहनते हैं। किस बात की यादगार है? वही यमुना वही काले कपड़े वाले की यादगार है। अय्यप्पा स्वामी कह दो, अप्पा कहते हैं बाप को, विदेशियों में विधर्मियों में ज्यादा मार कौन खाएंगे? सबसे ज्यादा दुख देने वाला है काम विकार। तो जो कामी है जन्म जन्मांतर के वो बहुत दुख देने वाले हैं, ये बहुत मार खाते हैं। जब मार खाते हैं तो उन इस्लामियों को फाउंडेशन डालने वाली जो आत्माएं हैं उन्हीं का भारत में नाम पड़ गया अय्यप्पा स्वामी, सोटा लगा आई मुंह से निकल गई। अल्लाह याद आवेगा तो बीवी याद नहीं आवेगी है? वो भी याद आवेगी तो जानते हैं पाकिस्तान के झंडे में चिन्ह क्या दिखाया है? चंद्रमा दिखाते हैं और सितारा दिखाते हैं। चंद्रमा किसकी यादगार है? तो ब्रह्मा ने ही इन आसुरों को ज्यादा पालना दी है, ज्यादा वरदान दिए है, गोद में बैठा के पाला है। आज भी क्रिश्चियन से कौन सा जानवर पालते हैं? क्रिश्चियन से और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। कुत्ता पालने में राशि मिलाने की कौन सी बात है? क्रिश्चियन से कुत्ते को प्यार करते हैं और कृष्ण वाली आत्मा ने संगम युग में किसको प्यार किया है? कामी इस्लामी कुत्ते जैसी आत्मा को प्यार किया। सारा यज्ञ का कारोबार उनके हाथों में सौंप रखा था। और सतयुग में भी दूसरा नारायण कौन बनेगा?
वो ही कामी इस्लामी, वो ही सत्युग में नारायण नारायणी बनेगी। अरे जो यहाँ शूटिंग करेंगे वो वहाँ नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा का सारा कारोबार उनके जीते जी किसने चलाया, किसके हाथ में रहा, कौन सा पांडव था, ऋषि किशोर था। और मम्मा के बाद कारोबार किसके हाथ में आया, कुमार का दादी के हाथ में आया। तो दोनों ही वारसदार बन गए किसके, ब्रह्मा और कृष्ण वाली सोल के। तो जो यहाँ वारसदार बनने की शूटिंग करते हैं वो सतयुग में भी सेकंड नारायण बनेंगे। कौन वो भी क्या, वो ही किसको, बंधन वाली आत्माओं को, ज्यादा बंधन वाली आत्मा माताओं को, तो उनके बाप से मिल सकती हो। भट्टी करने की परमिशन नहीं मिलती, नहीं मिलती, वो बहुत बंधन है करने का। बाबा तो कहते हैं बहाना बना करके भट्टी कर ले, ज्यादा लगन है वो माता की, ज्यादा लगन होती है। हाँ हाँ ज्यादा लगन है तो कम से कम रेगुलर क्लास तो कर सकती है। वो क्लास में नहीं आने है, क्लास में भी नहीं आने, क्लास में नहीं आ सकती है तो कम से कम कोई माता है, कन्या है या कोई भाई उनको सीढ़ियाँ तो पहुँचा सकता है, कैसेट तो पहुँचा सकता है। आजकल तो छोटे छोटे यंत्र निकल पड़े हैं, वो यंत्र कहीं भी बगल में दबाए रखो, कान में घुस रहो सुनते रहो, कोई दरवाजा खटखटाया कान से निकाल के अंदर डाल दिया। से अंगूठा मांगा था ना, तो एक लोग अंगूठा तो आत्मा की निशानी है ना, कैसे मांग सकता है वो आत्मा, आत्मा को क्या मांगेगा, आत्मा को क्या मांगेगा, आत्मिक स्थिति को तो मांगेगा, आत्मा को नहीं मांगेगा लेकिन आत्मिक स्थिति को तो मांग सकता है, आत्मिक स्थिति का तो लोप करा सकता है। देवान में तो लाने की बात हो सकती है, तो देवान में ला दिया, आत्मिक स्थिति उड़ गई। अध्यापिता का क्या होता है, अध्यापिता अंतिम समय में देवान में आता है या आत्मिक स्थिति में रहता है, तो अंगूठा कट गया ना, है बकरा बन गया, बकरा देवान की निशानी है ना, मैं है? इतना पूरा संगम उसका ज्ञान रहेंगे। हाँ जी, आत्माएं तमो प्रधान नहीं बनती है क्या, तो प्रजापिता वाली आत्मा आत्मा नहीं है क्या, परमात्मा है, सदैव है परमात्मा, सदैव नहीं है। जब परमपिता आते हैं तो पुरुषार्थ करके फिर परमात्मा बनती है, बाप समान बनाते हैं बाप,
सदैव तो परमात्मा नहीं है। और जो मर जाते हैं उनके ऊपर सफेद कपड़ा क्यों डालते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में मरना किसको कहा जाता है? जो जीते जी मरने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है? हैं? कितने? धीरे से क्यों बोलते हैं? आठ है। आठ आठ है, साढ़े चार लाख है जो जीते जी मरेंगे देह अभिमान से। तो देह अभिमान से मरेंगे तो उनकी आत्मा सफेद बनेगी या काली बनेगी? की आत्मा सफेद हो जाएगी तो शरीर भी बर्फ में से निकलने के बाद गोरा होगा या काला होगा? गोरा शरीर होगा। तो इसलिए यादगार में जो मरते हैं उनके ऊपर सफेद वस्त्र डालते हैं। बाबा शंकर हमेशा लिखा डबरा क्यों बजाता है? क्या डबरू क्यों बजाता है? जो ज्यादा होशियार होता है वो एक अर्थक बात निकालता है या दो अर्थी बात निकालता है? है? दो अर्थी बात होती है। जो बड़े बड़े राक्षस हैं, राक्षसी आत्माएं हैं, उनको भी वो बात अच्छी लगे और जो देवात्माएं हैं उनको भी वो बात अच्छी लगे। इसलिए डमरू दिखाते हैं और डमरू हमेशा नहीं बजाता है। डमरू हमेशा बजाता है या सिर्फ विनाश काल में बजाता है? है? जब विनाश होता है तो डमरू बजाता है। संक्षेत्र में विनाश हुआ था या नहीं हुआ था? है? तो कौन सा बाजा बजा था? प्रसिद्ध बाजा है संक्षेत्र में जो पहले पहले बजा था, उस लिटरेचर का नाम ही है शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद बोले। वो 9 पेज का था और एक ही रात में लिख मारा था डमरू जी महाराज ने। नगाड़ा तो बड़ा है और डमरू तो छोटा है। जब बम फटते हैं तो नगाड़े भी बजते हैं। सबसे ज्यादा आवाज करने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नगाड़ा होता है। दुनिया के हिसाब से सबसे ज्यादा आवाज करने वाले बम्ब होते हैं। बम्ब का आवाज से ज्यादा कोई आवाज करने वाली चीज है? तो ऐसे ही नगाड़ा है। बाबा विजयमाला का आवाहन करना और जगदम्बा को योग का दान करना, इसमें क्या अंतर है? दान और आवाहन करने के लिए तो उन मूर्तियों को भी याद करना पड़ेगा ना। किसी को आकर्षित किया जाता है, खींचा जाता है, कशिश की जाती है तो वो अलग प्रकार की याद होती है कि वो हमारे नजदीक आ जाए।
तो महाकाली को नजदीक बुलाना है, ऐसे योग का दान देना है कि जल्दी हो जाए। क्या करेंगे है? योग का दान दें ताकि वो विनाश का कार्य बंद कर दे। विनाश का काम करना अच्छा या स्थापना और पालना का काम करना अच्छा? स्थापना और पालना का काम करना अच्छा। इसलिए प्रकृति को योगदान देना है। प्रकृति को जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी का आह्वान नहीं करना होता है, चैतन्य का आह्वान करना अच्छा है। चैतन्य को नजदीक बुलावेंगे, चैतन्य का संग करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी है? चैतन्य बनेगी। और जड़ जानवरों के संग रहेंगे तो बुद्धि जड़ बन जाएगी। बाबा ये बाप दादा माना कौन सी आत्माएं हैं? क्या ये तो लिखा है बाप दादा माना कौन सी आत्माएं? ये तो आत्मिक स्थिति से देखा जाता है और दूसरा दैहिक स्थिति से देखा जाता है। आत्मिक रूप में देखेंगे तो दो ही आत्माएं मुख्य हैं, एक आत्माओं का बाप शिव और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप प्रजापिता। तो जब आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो इनमें बाप दादा कौन है? इनमें बाप कौन है और आत्माओं का दादा कौन है? आत्माओं में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में दादागिरी का पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाप है बाप और आत्माओं के बीच में प्रजापिता है दादा। ये आत्मिक स्थिति वाली बात हुई। ये बेसिक ज्ञान तक की बात है। जब एडवांस में आते हैं तो पूरा परिचय देना पड़ता है। पता कैसे लगे कि ये बाप है ये दादा है या दोनों कंबाइंड है? ज्ञान से पहचानना पड़ता है। बाप वो है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं मुकर्र रूप से और दादा वो है जिसमें मुकर्र रूप से बाप प्रवेश नहीं करते, टेम्पररी प्रवेश करते हैं, जो अंत में धर्मराज का पार्ट बजाता है। कहते हैं ज्यादा दादागिरी दिखाते हो, जो दादाएं होते हैं वो मार पिटाई ज्यादा करते हैं या नहीं? तो यहां कौन सी मार पिटाई करने वाला कौन सा प्रसिद्ध है व्यक्ति है? अरे अंत में कौन मार पिटाई करेगा? धर्मराज। धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच। वो दादा हो गया साकार में और वो बाप हो गया साकार में, लेकिन दोनों साकार दोनों व्यक्तित्व दोनों पर्सनालिटी एक ही हैं या
अलग अलग है, एक ही, इसलिए बाप दादा कंबाइंड को कहा जाता है। सदा समझो हमें शिव बाबा समझाए रहे, लेकिन बाबा हमें तो मस्तक में नारायण या विष्णु का चेहरा दिखाई देता है या कृष्ण का बांसुरी वाला चेहरा दिखाई देता है। अरे तुम्हें दिखाई देता है इसीलिए तो बताया कि तुम ऐसा मत समझो, ये बांसुरी वाला कृष्ण हमें समझाए रहे हैं या विष्णु समझाए रहे हैं या नारायण समझाने वाला है। समझाने वाला कौन है? शिव बाबा ही समझाने वाला है, बाकी तो सब बुद्धू बन जाते हैं। नारायण बनने वाली आत्मा बुद्धू बनती कि नहीं कलयुग के अंत में? वो भी बुद्धू बन जाती। कृष्ण वाली आत्मा बुद्धू बनती है या नहीं बनती है? और विष्णु वाली आत्मा बुद्धू बनती है? समझाने की ताकत किसमें है? आखिरी शिव बाबा में। इसलिए शिव बाबा ने कहा तुम सदैव ऐसा ही समझो, शिव बाबा समझा रहे हैं। रोज रोज समझाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भक्ति माना ज्ञान नहीं है और संन्यास माने सम माने संपूर्ण और न्यास माने त्याग। तो ये संन्यास कौन से युगों में होता है और कौन से युगों में नहीं होता है? कौन से युग में संन्यास होता है? है? कैसे? घर बार तो क्या, देह और देह के संबंधी तो क्या, सारी दुनिया का ही संन्यास करके त्याग करके हम कहाँ जाते हैं? आत्माओं के देश में, शांति धाम में चले जाते हैं। तो असली संन्यास कहाँ हुआ? संगम युग में होता है। इसलिए कहते हैं पहले ज्ञान मिलता है फिर भक्ति का संन्यास होता है, लास्ट में है संन्यास। वो संन्यासियों ने तो द्वापर कलयुग में संन्यास किया लेकिन वहां वो संपूर्ण त्यागी बन ही नहीं सकते। संपूर्ण त्यागी कौन बनाता है? एक बाप ही संपूर्ण त्यागी आकर बनाता है। परमधाम से अंत समय में आने वाली आत्माएं पापात्मा कहें या पुण्यात्मा कहें, क्या कहें? पुण्यात्मा है। पुण्यात्माएं कहां बनते हैं और पापात्माएं कहां बनते हैं? संगम युग में पुण्य आत्माएं बनते हैं, बनाने वाला है बाप। द्वापर कलयुग में पाप आत्माएं होते हैं, बनाने वाला है रावण। तो ये अंत में आने वाली आत्माएं बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? है निराकार बाप को तो पहचानेगी कि निराकार बाप है और इस सृष्टि पर आकर के
परिवर्तन कर रहा है, लेकिन साकार को साकार को नहीं मानेंगे। हर एक आत्मा के अंदर अपनी अपनी 63 जन्मों की कमजोरी होती है। वो कमजोरी बहुत पक्की होने के कारण नष्ट मोहा जल्दी नहीं बन पाते, हर एक आत्मा में होती है, है? अरे हर एक आत्मा ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर एक से मोह न रखने वाली हो, हर एक होती है। 8 आत्माएं ऐसी भी हैं जो अंत तक आखिरी जन्म को छोड़ के एक में मोह रखने वाली है। नंबरवार इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक आत्मा 63 जन्मों की कमजोरी होती है, बहुत पक्की होने के कारण नष्ट मोहा नहीं बन पाते। कमजोरी को हटाने के लिए क्या करें? ये तो तरीका बताया अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कुछ मत करो, जब कोई स्त्री बंधन में हो वो बाबा से मिलना है लेकिन पति ना आने देता हो, पति की मांग होती है विकार की, तो स्त्री अपना शरीर उसे सौंप दे तो उसको क्या कहेंगे? गलत कहेंगे या सही कहेंगे? पति की मांग पूरी कर दी, शरीर को सौंप दिया, पति ने परमिशन दे दी, तो गलत किया या सही किया? गलत किया, ठीक किया। तो ज्ञान में आने वाली कई कन्याएं भी ऐसे करती हैं। उनको सरेंडर कराने के लिए कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई पैसा नहीं देता किराए का, कोई भाई तैयार हो जाता है किराए का पैसा भी देता है, ले जाने के लिए भी तैयार होता है, और वो कन्या उसे अपना शरीर सौंप दे और सरेंडर हो जाए तो सही होगा? क्यों? हाँ? तो माता प्योरिटी नहीं है, कन्या की प्योरिटी होती है। वो जो पत्नी होती है उसका पति के साथ किताब किताब है, वो जो पत्नी होती है उसका पति के साथ किताब किताब होता है। कन्या का हिसाब किताब पूजन का नहीं है जो इस तरह की बात आती है बुद्धि? पूर्वजन्म का हिसाब किताब है तभी तो इस तरह की बात बुद्धि में आ सकती है। ये आकर्षण के बस उस बात को स्वीकार कर लेती है। ये दो बातें हैं, ये राजयोग है, ये राजयोग का कनेक्शन मन से ज्यादा है या तन से ज्यादा है? है मन से इसका कनेक्शन ज्यादा है,
मन से कनेक्शन ज्यादा होने के कारण मन को अगर कंट्रोल में कर दिया और बाबा को सौंप दिया, मन पूरा ही 100% बाबा की याद में लगा दे और तन को मुर्दा बना दे, पति को सौंप दे, तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? पाप नहीं बन सकता। लेकिन कन्या अगर अपने तन को सौंप दे तो ये समाज के सामने पाप बन जाता है। हम ब्राह्मणों को समाज के नियम भी नहीं तोड़ने हैं और सरकार के नियम भी नहीं तोड़ने हैं और ईश्वरीय नियम भी नहीं तोड़ने हैं। अमेरिका के सैन्य बल के द्वारा हद के लादेन का अंत हुआ है। इस बात का ज्ञान के आधार पर क्या अर्थ होता है? तो एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या ओसामा बिन लादेन का अर्थ नहीं बताया है? ओ सामा माने ओ सामत आ गई। जब कोई डकैत किसी को पकड़ता है ना, बोलता है ओ तेरी सामत आ गई, बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं। बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं, ला दे ना। देता है कि नहीं? नहीं तो तेरी शामत आ गई। जो कुछ है वो सारा दे दे। तो क्या करते हैं? धन संपत्ति छीन लेते हैं कि बहू बेटी भी छीन लेते हैं? हैं? क्या करते हैं? बहु बेटी भी छीन लेते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ओसामा बिन लादेन है? जो बोलता है जो कुछ है तेरे पास सारा सरेंडर कर दे, नहीं तो तेरी सामत आ गई है। बचेगा नहीं? कौन है? है? अरे कौन आत्मा हो सकती है? प्रजापिता। सही बात तुमने कही। राम वाली आत्मा जन्म जन्मांतर की सात्विक स्वभाव की है या खराब स्वभाव की है? है? जो बाबा को ज्यादा याद करने वाला होगा उसकी आत्मा जन्म जन्मांतर तक सात्विक स्वभाव की रहेगी, आत्मिक स्थिति वाली रहेगी या उस स्थिति को छोड़ने वाली बन जाएगी? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कह सकते हैं कि द्वापर के आज से ही देह अभिमानी ज्यादा होने के कारण बहुत पतित बन जाती है, इसलिए उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश कर जाती है। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो अंत तक कन्वर्ट हो जाते हैं या साबुत बचे रहते हैं? कन्वर्ट नहीं होते हैं। अंतिम जन्म में तो जाके सबको नीचे गिरना है, वो बात अलग। इधर तो बोल दिया प्रजापिता वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, लेकिन वो तो साबित नहीं होती, वो तो ऐसा कर्म नहीं करेगी। फिर है
अरे राम वाली आत्मा में जो भी बैल के रूप में दुष्कर्म कराने वाली आत्मा है वो कौन है? हैं? उस बैल के ऊपर राम वाली आत्मा विजय पाली या विजय पानी है? हैं? अभी विजय पूरी नहीं पाई है, क्योंकि वो कृष्ण वाली आत्मा अपन को क्या समझती है? मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, इसलिए जो भी है पत्नी बीबी बाल बच्चे वो सब मेरे को दे दे, तन धन धान स्वाद परिवार सब मेरे को सरेंडर कर, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जो बाप के पुत्र बने जाएंगे, साढ़े चार लाख निकलेंगे कहां से? जो साढ़े चार लाख निकलने हैं वो तन मन धन सब कुछ अर्पण करने वाले निकलेंगे भगवान के नाम पर, भगवान को पहचानेंगे या ब्रह्मा को पहचानेंगे? ब्रह्मा को पहचानेंगे, ब्रह्मा को मानेंगे। अभी तो आया शिव बाबा जो कुछ बोलते हैं तुम ऐसे ही समझो, किसने बोला, किसने समझाया? शिव बाबा ने समझाया। तुम ऐसे क्यों समझते हो ये ब्रह्मा ने बोला? तो बल है, समझाने वाला शिव बाबा है, बोलने वाला शिव बाबा है, ये जुआ खिलाने वाला पांडवों को कौन है? पांडवों ने जुआ खेला ना, तन धन धाम स्वर्ण परिवार बीवी बाल बच्चों का, ये जुआ किसने खिलाया? शिव बाबा ने खिलाया। कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं खिलाया, कृष्ण वाली आत्मा के साथ तो सात नारायण हैं, जो पूरे सांप हैं विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आत्माएं यज्ञ के आदि से लेकर उनके शरीर छोड़ने तक भी उनकी छत्र छाया बन करके रही है। विष्णु की छत्र छाया कौन दिखाया जाता है? सांप सर्प। उनका नाम है शंकरषण, भक्ति मार्ग में शंकरषण भगवान। बलराम भी कहा गया है उनको। वो राम का बल है, उनका शस्त्र कौन दिखाया जाता है? हल। ये हल का काम क्या होता है? धरणी को चीरना। ये काम राम वाली आत्मा का नहीं है, किसका है? बाबा का। शिव बाबा विनाश कराता है। शिव बाबा एवर प्योर है, विनाशकारी है या राजधानी स्थापन करने वाला है? हैं? शिव बाबा तो राजधानी स्थापन करने वाला है। जो अज्ञानी होगा वो उल्टा काम करेगा कि ज्ञानी होगा वो उल्टा काम करेगा? तो कृष्ण वाली आत्मा अज्ञानी है या राम वाली आत्मा अज्ञानी है या शिव बाबा अज्ञानी है? कृष्ण वाली आत्मा अज्ञान के कारण ऐसे कार्य करती है। जब बांब फटते हैं तो बुद्धि सुधरती है, इसलिए बंबई में कोई छोटा मोटा बांब फटा होगा उसकी आवाज माउंट आबू तक पहुंच गई, नहीं तो वो 30 मार्च 31 मार्च को ही घोषणा करके चले गए थे ये सीजन का लास्ट मिलन है, फिर 13 अप्रैल को क्यों आ गए? क्योंकि स्पेशल उनको बुलाया गया, कोई भारी समस्या आ गई जिसका जवाब कोई भी तथाकथित बीके के पास नहीं था, इसलिए बाप दादा को भी आना पड़ा बुला देकर।
अब आएंगे तो उनके पास जवाब है, है? उनके पास तो जवाब ही नहीं है। तो देह अभिमान टूटता है या नहीं टूटता है? देह अभिमान टूट जाता है। देह अभिमान टूटना माने मरना, यहाँ कोई स्थूल मौत की बात नहीं है। कौन सी मौत की बात है? देह अभिमान से मरने की बात है। बाबा राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो, बाप की याद में रह भी कर्म विनाश करो तो पीछे आने पर भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है, तुमको भी आज समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ, इसका क्या अर्थ है बाबा? हमको कौन सा मेकअप करना है, है? अरे पुरुषार्थ में तीखी दौड़ लगानी है। पुरुषार्थ किस बात का है? पुरुषार्थ है ही ज्ञान योग धारणा और सेवा का, तो सब बता दी। अरे बड़ी या तो तीखी याद में लग जाओ, याद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे और याद में पास हो जाएंगे तो भी क्या कहे जाएंगे? पास कहे जाएंगे। तो याद में टिक जाए तो बहुत फास्ट जा सकता है। हाँ जी, और कोई? ओम